नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार जब श्रीलंका ने टेस्ट क्रिकेट में ठोक डाले थे 992 रन और इस धुरंधर ने जड़ा था 13 शतक और देखते हैं यहाँ पे हम पूरे मैच का हाल, तो आप लोग बने रहना। दोस्तों दरअसल ये जो मुकाबला था ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि श्रीलंका ने जो 992 रन ठोके थे वो भारत के खिलाफ ठोके थे। तो आइए चलिए हम आपको बताते हैं इस पूरी जानकारी को, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। और वहीं अगर आप भी भारतीय टीम को दुनिया की सबसे खतरनाक टीम मानते हो तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि टेस्ट क्रिकेट इतिहास में एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड जो है वो श्रीलंका ने बनाया है, तो ऐसे में ये स्कोर उन्होंने भारत के खिलाफ साल 1997 में बनाया था। तो वहीं श्रीलंका में खेले गए मैच में भारत की कप्तानी कर रहे सचिन तेंदुलकर ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। तो अब ऐसे में क्या था, भारतीय टीम आई बल्लेबाजी करने के लिए, तो ऐसे में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की टीम ने 167.3 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 537 रन बनाए थे और भारतीय टीम ने 537 रनों पर ही अपनी पारी को घोषित किया था। तो वही भारत की तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू, सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने शतक जड़े थे और इसमें नवजोत सिंह सिद्धू ने 111 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी और सचिन तेंदुलकर ने 143 रन बनाए थे और अजहर ने 126 रनों का योगदान दिया था। तो ऐसे में भारत ने इस दौरान लगभग दो दिन बल्लेबाजी के बाद पारी को अपनी घोषित करने का निर्णय लिया। तो वहीं अब जवाब में उतरी श्रीलंका की टीम की तरफ से, श्रीलंका के ओपनर बल्लेबाज सनत जयसूर्या ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 13 शतक जड़ दिया था। दोस्तों उन्होंने 578 गेंदों में 340 रन बनाए थे और इस दौरान उन्होंने 36 चौके और 2 छक्के भी लगाए थे। और वहीं इसके अलावा श्रीलंका के लिए रोशन महानामा ने दोहरा शतक और अरविंद डी सिल्वा ने शतक जमाया था। और वहीं श्रीलंका ने अंत में जाकर 992 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर और फिर अपनी पारी को घोषित किया था। तो ऐसे में 5 दिन बाद ये मैच समाप्त हुआ और ये मैच ड्रॉ रहा था। तो भारतीय टीम ने भी श्रीलंका की टीम का काफी जमकर मुकाबला किया था और इस मैच में सभी खिलाड़ियों ने काफी जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया था। तो ऐसे में दोस्तों अब आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, क्या आपने इस मैच को कभी देखा या फिर नहीं, अपनी गिनती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना। मिलेंगे अगली कुछ ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।